अभी भी ऑलमोस्ट 1 घंटा 15 मिनट्स हुए, स्टिल वी आर इन द लाइन। ये देखो वहाँ पे, अभी तक हम लोग यहाँ पे ही पहुँचे, उधर थे अभी। इतना मैंने जैसे पिछली बार में बोला वैसे ही, एक लॉजिक ही नहीं पता चल रहा। अभी एकदम से 20-30 लोग छोड़ दिए, अभी उससे पहले 15-20 मिनट कुछ भी छोड़ नहीं रहे थे। मतलब लोग आ रहे थे फिर भी ये लोग बंद करके बैठे थे, तो शायद से और 1 घंटा लाइन में लगे रहना पड़ेगा। फाइनली हम लोग आ गए, ये सामने आगे वाला ट्रैम स्टेशन है, आपको पटरी दिखाई दे रही होगी, तो उसके सामने ये हमारा एयरबीएनबी है। पूरा नहीं है हमारा, छोटे छोटे रूम्स है, तो 2 रूम्स है हमारे, मतलब एक ही है। ये देखो ट्रैम जा रही है, तो इसका भी मैंने जैसे पहले वीडियो में बताया था कि एकदम सही से उन्होंने लोकेशन बताया था, बिल्डिंग का फोटो भेजा था। और यहाँ का सिक्योरिटी आप देख सकते हो, ये देखो ये रूम इज रेडी करके भेजा है उन्होंने। और ये किधर गया, हाँ ये 5579 वाला जो कोड है, एक्चुअली ये डोर लॉक रहता है, मैं आपको करके बताता हूँ। ये देखो अभी ये खुलेगा नहीं, इसका की भी नहीं रहता, तो ये डालना पड़ता है 5 7 9 4 5 3 0 #। ये देखो आवाज सुनाई दे रहा है, वो लॉक खुल गया, तो ऐसा है यहाँ पे सिस्टम। ये भी सारे सेंसर के, ये तो लिविंग एरिया है, बट उन्होंने सारे इंस्ट्रक्शन दिए कि जाते वक्त आते वक्त सारा बंद करके जाना। ये ऐसे रूम जो है 1 2 3 4, ये हमारा 5वां रूम है। यहाँ पे शेयर्ड किचन है, तो ये देखो हमने इंडिया से रेडी टू ईट वाले लाए थे, तो हम लोग अभी पोहा बना रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। एकदम बढ़िया है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है, क्लीन भी है सारा। और कैसा है कि आप अगर यहाँ पे रहते हो तो ब्रेकफास्ट वगैरह डेली करना है, मतलब आपका ऑब्वियसली बजट ज़्यादा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा आपको बजट के हिसाब से करना है तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। एयरबीएनबी बुक करो, थोड़ा सा सामान लाओ, सामान मतलब क्या, छोटे छोटे पैकेट्स रहते रेडी टू ईट के, जैसे पोहा हो गया, उपमा हो गया, तो वो सारा हम लोग आप लोग यहाँ पे कर सकते हो, बस पानी डालो गर्म करो हो गया, तो वैसे बहुत से पैसे बच जाते हैं। और ये वहाँ यहाँ पे यूरोप में एक है कि मतलब आपको ब्रेकफास्ट के लिए, जैसे हम लोग इंडियन के लिए लोगों को जैसे इडली डोसा वगैरह वगैरह खाना, मतलब वो ही हम लोग नाश्ते में खाते हैं, तो यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है, ऑब्वियसली होगा ही नहीं, बट ये लोग सारा दिन ब्रेड ही खाते रहते, तो मतलब लंच पे भी पिज़्ज़ा पास्ता, ब्रेकफास्ट में भी पिज़्ज़ा, डिनर में भी पिज़्ज़ा, वैसा ब्रेड आइटम्स रहेंगे, तो इससे बेटर है कि से करो घर से लाओ, वो अच्छा पड़ता है, पैसे भी बच जाते हैं। तो आज का प्लान है लिस्बन घूमना, तो जैसे कल के वीडियो में देखा होगा हम लोग नदी पार करके इधर, समुंदर पार करके इधर आए थे, तो वापस फिर से जाएंगे यहाँ से, चेकआउट करेंगे और सिंत्रा में जाएंगे। तो पहले थोड़ा लिस्बन घूमेंगे और फिर सिंत्रा घूमेंगे, तो जैसे जैसे होता रहेगा मैं आपको लिस्बन का सब कुछ बताता जाऊंगा, क्या क्या है देखने के लिए, कैसे कैसे देखना है, क्या करना है, तो चलो लिस्बन मिलके एक्सप्लोर करते हैं। फिर से लिस्बन में आए, जो समुंदर के उस पार था वो अल्माड़ा था, तो अभी फिर से लिस्बन में आ गए। अभी यही मेट्रो वगैरह नॉर्मल पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे, और लिस्बन में जो जो मेन स्पॉट है, मतलब अभी लास्ट के 3 दिन भी लिस्बन में ही है, बट अभी टाइम है क्योंकि हम लोग अभी जा रहे हैं सिंत्रा, तो सिंत्रा का यहाँ मतलब पूरे यूरोप में चेक इन टाइम है 3, और 3 से पहले वो देते नहीं, तो अभी बहुत 3-4-5 घंटे बचे, तो
लोग अभी लिस्बन घूमेंगे, वही सेम किया यहाँ पे, वो कार्ड है किया जो हम लोगों ने 72 आवर्स का लिया था वही यूज़ कर रहे हैं हम लोग। तो अनलिमिटेड राइड्स है, मेट्रो, ट्रेन, बस, ट्रैम, तो वही यूज़ करके हम लोग अभी सिटी सेंटर जाएंगे और वहाँ के स्पॉट्स घूमेंगे। तो अभी हम लोग को पहले जाना है बेलम टावर करके है, तो ये देखो दिख रहा है, ये देखो यहाँ पे लिखा होता है 50 मीटर के ट्राम आएगी, वो कर लो, ये देखो डिलेड करके है 11:07 ऑल्सो इन 13 मिनट्स वगैरह वगैरह सारे डिटेल्स आते हैं। और यहाँ पे देखो ये 15E और 25E का, ये तो काफ़ी आसान है, बट बस आपको थोड़ा ध्यान में रख के करना होगा, आराम से आप कर पाओगे यहाँ, मतलब ऐसा कोई डिफ़िकल्ट है ऐसी कोई बात नहीं है, सारा गूगल मैप पे दिया रहता है, आराम से हो जाएगा। और आपके पास पास है तो वो तो आप मतलब अनलिमिटेड राइड से जितना चाहे उतना देर घूम सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आप लोग जो पीछे देख रहे हो ये अभी लिस्बन का ऑफिशियली पहला स्पॉट है हमारा, जेरोनिमोस मोनेस्ट्री करके है, और बाहर से ही इतना खूबसूरत है आप देख सकते हो। एक्चुअली ये जो भीड़ है ये इतना लंबा लाइन है अंदर जाने के लिए, 13.97 मतलब आप 14 ही पकड़ो, 14 यूरोस टिकट है, तो अराउंड 1200-1300 करके होता है इंडियन रुपीस में, बहुत ज़्यादा है, बट अंदर भी है देखने के लिए, बट जैसे मोनेस्ट्री है तो इतना कुछ नहीं है, उनका आर्किटेक्चर है जैसे हमारे इधर, आप अगर मैसूर का महल देखते हो तो अंदर जैसे हमारे राजा राजाओं का जैसे स्ट्रक्चर है वहाँ, यहाँ पे भी सेम वैसा ही है। तो हम लोग तो अंदर तो नहीं जा रहे क्योंकि इतना लंबा लाइन तो एक तो है भर, और दूसरा भी बहुत ज़्यादा महंगा भी है। तो अभी यहाँ से ही आगे जाके और एक मेन स्पॉट है पोर्चुगल में, जो आपने देखा होगा ऐसा क्रॉस वॉल है, और उसके वॉल के ऊपर ऐसे छोटे छोटे उन्होंने मॉन्यूमेंट्स बनाए हैं, तो वो आपने फ़ोटो में ज़रूर देखा होगा, तो मतलब अभी मैं दिखाऊंगा आपको पता चल जाएगा। फिलहाल हम लोग अभी यहाँ पे थोड़े फोटोग्राफी करेंगे। सो जैसा मैंने बोला था दूसरा स्पॉट सामने ही है, तो आप देख सकते हो ये जो है ये वाला वो मॉनेस्ट्री है, ये मैं जो यहाँ पे हूँ वो ये सारा गार्डन है बीच में, और गार्डन आप पास करोगे तो आपको बड़ी सी एक वॉल दिखाई देगी, ये देखो दिख रही है वॉल, वही है बस, हाँ ये देखो ये वाला वही है, मॉन्यूमेंट्स टू द डिस्कवरीज करके है, आपको मैं थोड़ा वहाँ पे जाके अच्छे से दिखा दूँ तो आपको याद आ जाएगा, कहीं पे भी आप पोर्चुगल या फिर लिस्बन पहले डालोगे तो यही इमेज आपको आएगी पहले। तो अभी हमको जाना है उधर, बट ये आप देख सकते हो पूरा बंद है, और यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं इंडिया जैसा, कूद के जाओ पकड़ लेंगे फाइन मारेंगे, तो इसके लिए उन्होंने सबवे रखा है, यहाँ से नीचे जाएंगे और वहाँ से देखो लोग ऊपर आ रहे हैं, तो ये एक सिस्टम है, देखो सबवे बहुत एकदम सुंदर सिस्टम है, पूरा सिस्टमेटिक काम रहता है इधर, और लोग फॉलो भी करते हैं और करना भी चाहिए। फोटो में बहुत छोटा दिखता है बट एक्चुअली बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ही खूबसूरत है।
एकदम पूरा समुंदर है इस साइड, वो फेमस ब्रिज जैसे सैन फ्रांसिस्को वाला है वैसा ही सेम है, और यहाँ पे पोर्ट है। अभी अगला स्पॉट है पेलेम टावर करके है, अभी जो मॉन्यूमेंट देखा हमने वहाँ से ही आप अगर सीधा 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 चलते आओगे तो एक 700 मीटर पे आपको ये टावर दिख जाएगा जो कि बीच साइड में, आप बीच साइड से कोस्ट लाइन फॉलो करते भी आ गए तो भी आप आराम से पहुँच जाओगे। वो देखो वहाँ पे जो शिप खड़ा है वहाँ से, वहाँ के सामने वो मॉन्यूमेंट था, तो बस उधर से ही हम लोग ऐसे चलते आ गए। तो ये टावर के लिए एंट्री है, एंट्री फी 850 रुपये है, ऊपर जाने को मिलता है, सामने पूरा ऑब्वियसली व्यू है सी का। तो हमने क्लुक से बुकिंग किया था, या फिर यहाँ पे पुर्तगाल में और एक ऑप्शन है गेट योर गाइड करके, तो गेट योर गाइड और क्लुक, हम लोग ने क्लुक जैसे मलेशिया में यूज़ किया था तो वैसे ही है इधर भी, प्री बुकिंग कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे सस्ता है रादर देन टेकिंग ऑफलाइन। तो आप दोनों में कंपेयर कर लेना, जहाँ पे सस्ता मिलेगा आप वहाँ से टिकट ले सकते हो। तो अभी देखते हैं जाके, अभी तक हम लोग यहाँ पे ही पहुँचे उधर थे, अभी इतना मैंने जैसे पिछली बार मैं बोला वैसे ही एक लॉजिक ही नहीं पता चल रहा, अभी एकदम से 20-30 लोग छोड़ दिए, अभी उससे पहले 15-20 मिनट कुछ भी छोड़ नहीं रहे थे, मतलब लोग आ रहे थे फिर भी ये लोग बंद करके बैठे थे, तो शायद से और एक घंटा लाइन में लगे रहना पड़ेगा। ये सभी यहाँ पे तोहफा ही रखा है, ये शायद मे बी जहाँ जैसे हमारे यहाँ बुरुज होता है वैसे ही कुछ तो है, तो सभी इधर सेम ही है, हर एक खिड़की में एक रखा है। ये जिसके लिए पैसा भरा था 850 रुपये, ये भाई है ऊपर का व्यू पॉइंट। यहाँ का व्यू देखो आप ना खूबसूरत है, और फिर नीचे गए तो डायरेक्टली पानी, नैरो स्पाइरल स्टेयरकेस विद 93 स्टेप्स। ओ ऐसा ऐसा ऊपर जाने, तो ये बेसिकली किसी का तो घर था उनके राजाओं का, नीचे फर्स्ट फ्लोर किंग्स रूम थी, ये देखो ऊपर आ गए तो ऑडियंस रूम, वो उसके नीचे वाला जैसे पहरेदारी करने के लिए पूरा समुंदर दिखे, आसपास का शहर वगैरह दिखे वैसा था। तो अभी हम लोग ऑडियंस रूम में, तो अभी ऊपर जाएंगे, हर जगह जाने के लिए यहाँ पे सिक्योरिटी है। ये लास्ट है चैपल, ये देखो
The last room known as the chapel is the most complex in architectural terms. Springs from corbels. So, जो था यही था 850 रुपये, ज़्यादा लग रहा है, वर्थ नहीं लग रहा, बट है अच्छा है, लाइक 300-400 तक 300 तक चल जाता, बट ठीक है, अभी फॉरेन प्राइस है तो ओके. तो अभी जाएंगे अगला डेस्टिनेशन, अगला स्पॉट. अभी हम लोग फिर से जा रहे सोद्रे पे, एकदम टाइम पे आ गए भाग के. गूगल मैप ने जो टाइम दिखाया था सेम टाइम पे आ गए बस ट्रैम. सॉरी, तो ये एक है बहुत ही फेमस, आपने इंस्टाग्राम में भी देखा होगा, पिंक स्ट्रीट है. आप देखो यहाँ पे पूरा स्ट्रीट पिंक है. इंस्टाग्रामेबल स्पॉट आप बोल सकते हो, फोटोग्राफिक लोकेशन है. और यहाँ पे रेस्टोरेंट्स है दोनों तरफ, मतलब ये पार्टी एरिया टाइप से हैपनिंग बोलते हैं जिसको, नाइट लाइफ वगैरह आप बोल सकते हो यहाँ पे. बट बहुत खूबसूरत है. तो हम लोग अभी आ गए हैं रोसियो, आप यहाँ पे देख सकते हो. मतलब ये स्पॉट ऐसा कुछ नहीं, बट यहाँ का फेमस स्क्वायर है, आप देख सकते हो. ये कुछ तो पोर्तुगीज में लिखा है, मतलब फेमस यूरोप में आपको हर कंट्री में मिल जाएंगे ऐसे फेमस स्क्वायर. वो पीछे कैसल है, ये बड़ा सा स्क्वायर है, यहाँ पे शॉपिंग है. उसके बाद मतलब ऐसे छोटी छोटी गलियाँ में आपको शॉपिंग सेंटर मिलेंगे, उसके बाद खाने पीने की चीज़ें मिलेंगी. यही मेट्रो स्टेशन भी होता है. और उसके बाद ये वाला पीछे वाला भी अलग सा एक स्क्वायर है. तो अभी थोड़ा शॉपिंग देखते हैं क्या है. एक एक यूरो को मतलब 93 रुपीज़. यहाँ पे ये पोस्ट कार्ड्स है, कैप से मतलब पूरा शॉपिंग मार्केट ही है, देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें है. यहाँ पे भी मैग्नेट्स है, बड़े बड़े बैग्स है. ये कितने का है? भैया ये कितने का है? 590. 600 रुपए का बैग है. वो ये लोग बांग्लादेश से, तो इसलिए इसको इंडिया है. ये रोनाल्डो का ऑफिशियल शॉप है, मतलब रोनाल्डो का नहीं बट पोर्तुगीज फुटबॉल टीम का. अंदर फोटो वीडियो अलाउड नहीं बोल रहे हो, इसलिए आपको बाहर से ही दिखा रहा हूँ. जो आप देख रहे हैं ये मैंने वहाँ से बताया था, ये वही सेम, मतलब सेम नहीं बट ये एक ही स्क्वायर है बस, ये एक बीच में होटल है. अभी हम लोग सामने जाएंगे, सामने बहुत खूबसूरत लग रहा है. ये देखो आप, ये जो आप मेरे आजू बाजू देख रहे हो, ये हर यूरोप के कंट्री में फेमस चीज़ है, मतलब फेमस नहीं उनका एक स्टाइल है. हर गली मतलब ऐसे छोटे छोटे गलियों में वो रेस्टोरेंट, बीच में रेस्टोरेंट रखते हैं,
मतलब सिटिंग एरिया और दोनों साइड रेस्टोरेंट वगैरह रहते हैं। तो आप स्ट्रीट, जैसे हमारे इधर स्ट्रीट फूड टाइप्स रहता है, यहाँ का लग्जरी टाइप का स्ट्रीट फूड आप बोल सकते हो, बट मज़ा आता है यहाँ पे ऐसे पैदल घूमने में, इंस्टेड ऑफ टेकिंग एनी कार पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जस्ट एक्सप्लोर करते घूमो, सिटी घूमो, ऐसा। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा और ब्यूटीफुल है। तो ये है नाइट लाइफ, देख सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है एकदम, मतलब ज़्यादा ठंड भी नहीं है, ज़्यादा धूप भी नहीं है, बस ऐसे ही घूमते रहो, चिल करो, खाओ पियो, ऐसा टाइप्स। Yes.